गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले कल लेक्चर में हमने डिस्टोकिया में काम आने वाले औजारों का जिक्र किया, इनके बारे में डिस्कस किया। आज हम जो है डिस्टोकिया में काम आने वाली औषधियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें जो इंजेक्शन आता है वो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है? इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन, एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन, ब्यांत का शुरू करना, इंडक्शन स्टार्ट करना, और एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को बाहर गिराना, ये इनका काम है। इसका वैसे तो ये जितने भी यूट्रस के लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, और सर्विक्स के जो सर्कुलेटरी मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करता है। काहू के अंदर डोज इसकी 20 से 40 इंटरनेशनल यूनिट, मेयर में 20 से 60 इंटरनेशनल यूनिट, और बिच में 5 से 25 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। रूट जो है गाय और इसमें ये इंट्रामस्कुलर और आईवी दोनों लग सकता है। आईवी लगाते समय इसको डीएनएस या लिक्विड में जो हम जनरली देते हैं डिहाइड्रेशन में, उनमें किसी में मिला करके दे देते हैं। प्रोडक्ट का नाम इंजेक्शन पिटोसिन पार्क डेविस का, और इंजेक्शन सिंटोसिनॉन नोवार्टिस, ये कंपनी जो है ये कंपनी के नाम है। उसके बाद में डेक्सामिथाजोन, डेक्सामिथाजोन ये भी इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन और प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया में, डेक्सामिथाजोन हमने प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, ये भी बीमारी है, प्रेगनेंसी के कारण टॉक्सीमिया हो जाता है, जहर फैलाव लेता है, उसमें डेक्सामिथाजोन काम में लेते हैं। गाय में 10 से 30 मिलीग्राम, शीप गॉट में 2 से 5 मिलीग्राम आईवी, और इंजेक्शंस के नाम इंजेक्शन डेक्सासोन कैडिला का, डेक्सावेट वोकार्ड का, डेक्सोना सारा भाई का, और कीटोकोट इंटास का, मार्कोट्स मेयर का, रेनकोटिन रेनवेक्सी का, और रेटकोट एलएमबी का। तो ये जो है कंपनियां हैं इन नाम से इसको बनाती हैं। प्रेडनिसोनॉल इंजेक्शन, ये आर्थराइटिस, टेंडोनाइटिस, बर्साइटिस और एलर्जी के अंदर काम में आता है। हॉर्स में और कैटल के अंदर 10 से 20 ml लगाते हैं, पिग एंड काफ में 2.5 से 5 ml, डॉग में 1 से 3 ml इसका लगाया जाता है। इंजेक्शन प्रेडनिसोलॉन 10 मिलीग्राम पर ml होता है, 10 ml वोकार्ड का है इंजेक्शन प्रेडनिसोलॉन एसीटेट, 10 ml पर ml, 10 ml ही इंटरवेट का है। लेकिन मैं आपको इसके बारे में प्रैक्टिकली कुछ बात बता देता हूं। यह लिखा हुआ है कि यह एंटी एलर्जिक है, लेकिन प्रेडनिसोलॉन या होस्टाकोर्टिन जो है जब हम लगाते हैं तो ये खुद भी एलर्जी करता है, ध्यान रखना। शॉक लगता है इससे, ध्यान लगाते समय इसका बड़ा ध्यान रखना। मेरे पास एक गाय आई थी और उसमें हमने ये होस्टाकोर्टिन लगा दिया था कि भी इसके एलर्जी हुई हुई है, और वो घर तक ही नहीं पहुंची। वो तो एक बहुत जो है हमारे लिए बड़ा अच्छा रहा कि तुरंत जो है सूचना आ गई और हम पूरी टीम लेकर के हम दौड़े और तब उस गाय को बचा पाए। तो ये ध्यान रखना, ये जितने भी इस तरह के काम में लेते हैं ये कोर्टिसोन, बड़ी सावधानी से इनको काम में लेना, ये इम्पोर्टेंट बात है। नेक्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन, क्लोप्रोस्टिनॉल सोडियम PGF2 अल्फा एनालॉग। अब ये ल्यूटियल सिस्ट को हटाने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन ब्रीडिंग के लिए, रिमूवल ऑफ मम्मीफाइड फीटस के लिए, क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस के लिए, पायोमेट्रा एंड इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन के लिए। तो इसको एक एक को हम समझेंगे। ल्यूटियल सिस्ट, अभी मैंने आपको पढ़ाई थी पीछे, दो तरह की सिस्ट हैं, फॉलिकुलर और ल्यूटियल। तो ल्यूटियल है वो तोड़ी नहीं जा सकती, मुश्किल है। फॉलिकुलर को हम हाथ से जो है वो तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो ये ल्यूटियल अगर सिस्ट है तो
तो उसके लिए हम ये प्रोस्टाग्लैंडिन इंजेक्शन को काम में लेते हैं, तो उससे उससे क्या है, ये सिस्ट जो है वो ल्यूटिलाइज हो जाती है, चली जाती है, हट जाती है। सिंक्रोनाइज्ड ब्रीडिंग, कल अभी पीछे हमने सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा जानवरों को एक साथ हीट में लाने के लिए सभी को। रिमूवल ऑफ मम्मीफाइड फीटस, कल हमने पढ़ा मैसिरेशन और मम्मीफिकेशन, मैसिरेशन में सड़ा गला होता है फीटस और मम्मीफिकेशन में सूख जाता है अंदर ही अंदर, ऐसे फीटस को बाहर निकालने के लिए। क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस, काफ़ी समय से जो है एंडोमेट्राइटिस यूट्रस का की स्वेलिंग है, सोजन है, पायोमेट्रा है उसमें पस आ रही है, एंड इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन, तो पार्चुरेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो कैटल बू फॉर्मूला में 2 ml से 4 ml इसको लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर और सबकट, और इंजेक्शन है ज्यूरामेट 2 ml के नाम से आता है वेट केयर का, और इंजेक्शन सिनक्रोमेट 4 ml के नाम से आता है। उसके बाद में है लुप्रोस्टोल, लुप्रोस्टोल एनालॉग PGF2α है, ये भी सेम काम आता है, काऊ में 15 mg, हेफर में 7 से 5 mg, मेयर में 7 से 5 mg, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन प्रोसोल्विन के नाम से 2 ml, 10 ml, 100 ml इंट्रावेट का। टायाप्रोस्ट PGF2α है, ये भी एनालॉग, ये भी सेम काम करता है, बुवाइन में 3 से 5 ml, 5 ml इक्वाइन में 3 ml, और कैप्राइन में 1 से 1.5 ml। आईवी और सबकट ये जो है इंजेक्शन लगाते हैं। डाइनोप्रोस्ट ये आम है, डाइनोप्रोस्ट नाम से आम जो है ये इंजेक्शन है, PGF2α है ये भी, तो इंडक्शन और पार्चुरेशन, पायोमेट्रा पस इन यूट्रस, क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस इसमें ये काम में लेते हैं, कैटल में 3 से 3.5 ml और 5 ml भी इसमें लगाते हैं ये बड़े जानवर में, आईवी और इंट्रामस्कुलर। अर्गोमेट्रिन अर्गट, जी आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे ऑक्सीटोसिन और अर्गट दोनों, अर्गटामिन ये सारे के सारे उसमें, लेकिन अर्गोमेट्रिन अर्गट के नाम से है ये। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा में देते हैं ये आरटी, राइट ऑफ प्लेसेंटा नहीं, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा है। पोस्टपार्टम ब्लीडिंग में इसको देते हैं, यूट्राइन इन्वोल्यूशन के लिए इसको देते हैं। पोस्टपार्टम ब्लीडिंग यानी कि ब्याने के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसकी रोग के लिए, और यूट्राइन इन्वोल्यूशन जैसे ब्याने के बाद में यूट्रस अपनी शेप लेता है वापस, उसको नॉर्मल शेप में आने को इन्वोल्यूशन कहते हैं, तो इन्वोल्यूशन के लिए इस शेप को नॉर्मल लाने के लिए भी इसका काम में लेते हैं। कैटल में 1 से 3 ml, मेयर में 1.3 ml, 1 से 3 ही होना चाहिए। डॉग में 0.2 से 0.5 ml, शीप गोट में 0.4 से 1 ml तक। अर्गोमेट्रिन डॉल्फिन कंपनी का। इस्ट्रोजेंस ये इंड्यूस स्ट्रेस यूट्राइन इन्फेक्शन, हीट में लाने के लिए इंड्यूस था स्ट्रेस, कैटल में 1 ml और बुफेलो में 1 ml। वेट स्ट्रॉल के नाम से है, प्रोगजिनोन डिपोट 1 ml एम्प्यूल आता है जर्मन रेमेडी का, लेकिन एक बात मैंने आपको विशेष तौर से बताई थी कि इस इस्ट्रोजन को यूज करते समय विशेष तौर से ध्यान रखें, और भैंस में तो खास ध्यान रखें जो मिल्क दे रही है तो मिल्क एकदम से ख़त्म हो जाएगा, ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल अनुभव है। और मिल्किंग जो गाय है अगर वो दूध दे रही है तो भी उसके अंदर मैक्सिमम है दूध, तो उसमें आप उसका इस्तेमाल ना करें। हाँ, जब थोड़ा दूध हो लास्ट में और ओनर से पूछ लो कि थोड़ा बहुत असर इस पर आ सकता है तो उसके इंजेक्शन लगाया जा सकता है। तो ये जो कुछ मेडिसिन थी ये जो है डिस्टोकिया में काम आने वाली, तो आज हम नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे, रिपीट ब्रीडर। रिपीट ब्रीडर क्या होता है? रिपीट ब्रीडर बार बार हीट में आना, किसको कहते हैं रिपीट ब्रीडिंग? ये जरा पढ़ते हैं परिभाषा। वह गाय साधारण मध्य चक्र में नॉर्मल स्ट्रेस में अथवा लगभग साधारण मध्य चक्र नियरली नॉर्मल स्ट्रेस में आती है, लेकिन दो बार से ज्यादा जनन क्षमता वाले सांड, इसको ध्यान से पढ़ना,
दो या दो बार से ज्यादा जनन क्षमता रखने वाला, यानी कि जिसके स्पर्म सोके हैं, बुल ओके है, हेल्दी है, उससे वाले सांड फर्टाइल बुल से सहवास के बाद अथवा अच्छी क्वालिटी के सांड के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान करने के बावजूद भी गर्भित नहीं होती, ऐसी गाय मादा को रिपीट ब्रीडर कहते हैं। ये शब्दावलियों में आता है, तो इसे याद करें। तो रिपीट ब्रीडिंग जो है वो वैज्ञानिक कैसीडाइटॉल के हिसाब से, इसके कारण क्या हैं, इटियोलॉग्स क्या हैं, तो पहला इसमें विशेष तौर से उसने दो कारण देखे हैं। एक तो फेल्योर ऑफ फर्टिलाइजेशन, पहला तो है फेल्योर ऑफ फर्टिलाइजेशन। एआई कर दी, ओवा आया, लेकिन फर्टिलाइजेशन हुआ, फेल्योर ऑफ फर्टिलाइजेशन। दूसरा है फर्टिलाइजेशन तो हो गया लेकिन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो गई, एम्ब्रियो बना और बनते ही उसकी डेथ हो गई, तो इसको अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ कहते हैं। तो दो कारण विशेष हैं। अब इनके कॉज क्या क्या हैं, दो कारण हैं इसमें, कॉज क्या क्या हैं, ये हैं इसके कॉज जो इसने नीचे दे रखे हैं, एक एक करके आगे डिस्कस होंगे। तो पहला है जेनेटिक, जेनेटिकली, या कॉन्जेनाइटल एनाटॉमिकल डिफेक्ट। कॉन्जेनाइटल बर्थ शुरू से, कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट, ऐसा बर्थ के टाइम से ही जेनाइटल के अंदर कोई इस तरह का डिफेक्ट आ गया, या जेनेटिकली। तो जेनेटिक और कॉन्जेनाइटल एक्वायर्ड डिफेक्ट ऑफ ओवा, स्पर्म और अर्ली जायगोट। तो अब आप इसमें देखें, ये भी कॉन्जेनाइटल ही है, ये है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में क्या आता है, डिफेक्ट ऑफ ओवा, ओवा में कोई डिफेक्ट आ गया, स्पर्म के डिफेक्ट हमने पढ़े थे, ओवा के डिफेक्ट हमने पढ़े थे, हेडलेस है, टेललेस है, कोयल्ड है, ये सारे स्पर्म के हम जो है इनके इसका डिस्कस कर चुके हैं। इन्फेक्शन है तीसरा, और ट्रॉमेटिक कॉज है, कोई इंजरी है, ट्रॉमेटिक कॉज ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स। इसके बाद में एंडोक्राइनल डिसफंक्शन, अगर कहीं पर हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, हार्मोनल कहीं रिलीज नहीं हो रहा, कहीं ज़्यादा हो रहा है, इम्बेलेंस्ड है, तो उसे भी ये रिपीट ब्रीडिंग होता है। मैनेजमेंट कॉजेज है, मैनेजमेंट में कहीं कमी है, और उसके बाद में खुराक आपकी न्यूट्रिशनल कॉजेज है, न्यूट्रिशन जो है वो डाइट आप प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी कारण हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसके कारणों में जेनेटिकली जो है वो प्रजनन क्षेत्र में अनुवांशिकी अथवा जन्मजात रचनात्मक दोष, जेनेटिक और कॉन्जेनाइटल एनाटॉमिकल डिफेक्ट ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट, ये हम इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। यह दोष पशु को अपने माता व पिता से जीन्स के कारण जन्म से ही सौगात के रूप में मिलते हैं, जिनके कारण पशु दो तीन बार जनन क्षमता रखने वाले नर से सहवास के बाद अथवा अच्छे क्वालिटी के वीर्य कृत्रिम गर्भाधार करने के बावजूद भी मादा पशु में अंडा डिंब का शुक्राणु द्वारा निषेचन नहीं हो पाता तथा मादा पशु गर्भित नहीं हो पाता, वे जन्मजात व अनुवांशिक के कारण जो है इनमें निमन आ जाते हैं। अंडाशय का ए विकास, एप्लेसिया ऑफ ओवरी, एप्लेसिया, ओवरी का विकास ही नहीं हुआ, जब अंडाशय का विकास ही नहीं होता तो अंडा ही नहीं मिलेगा, बनेगा। गर्भाशय में अंड वाहिनी आदि में रुकावट, या तो यूट्रस में या हॉर्न में, ब्लॉकेज ऑफ ओविडक्ट एंड यूट्रस, ओविडक्ट या यूट्रस इनमें कहीं भी उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो ओवा पहुंचेगा ही नहीं फर्टिलाइजेशन के नीचे। पशु की अंडवाहिनी अथवा गर्भाशय के अंगों जैसे हॉर्न आदि में रुकावट होगी तो अंडा व शुक्राणु आपस में नहीं मिल पाएंगे। अंत गर्भाशय कला का साधारण विकास नहीं होना, लैक ऑफ नॉर्मल एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की अंदर की परत है एंडोमेट्रियम, उसका अच्छी तरह का विकास नहीं होना पूर्ण। जब गर्भाशय में एक ही हॉर्न होगा अथवा अंतर गर्भाशय कला का साधारण विकास नहीं होगा तो या तो अंडे का निषेचन नहीं होगा या होगा तो भ्रूण जल्दी उसमें मर जाएगा। तो ये प्रजनन क्षेत्र में अनुवांशिकी कारण था। अब अंडे में
शुक्राणु में अथवा भ्रूण में अनुवांशिकी, जन्मजात अथवा उपार्जित दोष, जेनेटिक कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड डिफेक्ट ऑफ ओवा, स्पर्मेटोजोआ और अर्ली जायगोट। पशु अंडे में शुक्राणु में अथवा भ्रूण की अल्प उम्र में जीन के कारण अथवा बनने के उच्च समय बाद दोष आ जाता है तो भ्रूण की मृत्यु हो जाती है तथा पशु वापस मध्यताव में पुनः नियमित समय अथवा कुछ समय बाद आ जाता है, वे कारण है। ये सारे कारण आपने पढ़े हुए हैं। पहला है ओलिगोस्पर्मिया, यानी कि अल्प शुक्राणु, बहुत कम शुक्राणुओं का होना, ओलिगोस्पर्मिया। शुक्राणुओं का नहीं बनना, एस्पर्मिया। ये डेफिनेशन भी आप याद करें, ये भी पूछी जा सकती हैं। आकार में, मार्फोलॉजिकल, बनावट में मार्फोलॉजिकल विकृतियां, जैसे मैंने आपको बताया था, सिर में कोई ऐसी विकृति हो, दो मन हो, बॉडी में, धड़ में या पूंछ टेल में कोई विकृतियां हो, ये विकृतियां हमने सब डिस्कस की हुई हैं, पढ़ी हुई हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। भ्रूण की अल्प आयु में मृत्यु हो जाना, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, अंडे व शुक्राणु की अधिक उम्र का होना, एक से ज्यादा अंडों का बनना, क्रोमोसोम में वृद्धावस्था के कारण विकृति दोष का होना, अंतः प्रजनन अपनाना, इनब्रीडिंग जो है वो, ये भी इसका कारण है। अब है इसका तीसरा कारण, प्रजनन अंगों में संक्रमण के कारण अथवा चोट के कारण सूजन का आ जाना, इन्फेक्शियस। अभी मैंने पढ़ा तीसरा कारण, इन्फेक्शियस या ट्रॉमेटिक, ट्रोमेना, ट्रोमा के, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस अफेक्टिंग द जेनाइटल ऑर्गन। प्रजनन अंगों में कोई संक्रामक हो, रोग हो जावे अथवा किसी प्रकार से AI जन द्वारा, AI करते समय AI गन, ये AI गन है, लेकिन AI गन जो है वो कोई जन ही ले पकड़ेगा ना, तो वो जन भी इफेक्टिव हो सकता, ऐसा ही हो सकता है, अनट्रेन, और AI गन जो है वो अंदर कहीं ना कहीं वो लगा सकता है, उससे भी उसको इंजर कर सकता है, ट्रोमा दे सकता है। तो AI गन के द्वारा अथवा प्राकृतिक संभोग के समय लिंग आदि द्वारा चोट लग जाए तो उसमें सूजन आ जाती है तथा अंडे का शुक्राणु द्वारा निषेचन नहीं हो पाता, क्योंकि स्पर्म में हुआ खुद ही मर जाता, अथवा निषेचन हो भी जाता है तो कुछ समय बाद भ्रूण की मृत्यु हो जाती है तथा मादा पशु में पुनः मध्य चक्र में आ जाता है। इसके निम्न कारण है, तो पहला तो है सूजन, सूजन गर्भाशय में, तो इसको कहते हैं मेट्राइटिस, सर्विक्स की सूजन को सर्विसाइटिस, वेजाइना को वेजिनाइटिस, और योनि से वायु को निमोविजाइना हो सकता है। निमोविजाइना यानी कि हवा को अंदर खींचना, और अगर जब हवा अगर अंदर जाएगी, निमोविजाइना हो जाएगा तो अंदर इन्फेक्शन का जाना बहुत, इन्फेक्शन चल जाएगा। अब कुछ हैं जो इन्फेक्शन हैं, कौन कौन से संक्रमण, ब्रुसेलोसिस ये हमने पढ़ लिया, ट्राइकोमोनेसिस हमने पढ़ लिया, कोरिनी बैक्टीरियम पायोजिन्स पढ़ लिया, कोरिनी बैक्टीरियल ओरोगिनोजा पढ़ लिया, ई कोलाई पढ़ लिया, ये सारे के सारे जो हैं वो ये संक्रमण है, इन्फेक्शन है, जो ये इसमें रिपीट ब्रीडिंग का कारण बनते हैं। इसके बाद में आता है एंडोक्राइन जो है वो, तो ये जो हम एंडोक्राइन डिफेक्ट्स हैं इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो लेंगे, इसको बाद में हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।